चलो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रफुल जा जुड़ गए। प्रफुल, लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बेहद दर्दनाक ये घटना, जहां नगर निगम की लापरवाही के कारण, प्रशासन की लापरवाही के कारण एक 5 महीने की बच्चे की जान चली गई। फिलहाल क्या स्थिति है, क्या इसके बाद नींद खुली है या अभी भी स्थिति जस की तस है? पूजा, 36 घंटे के मूसलाधार बारिश के बाद आप कह सकते हैं कि पूर्णिया जलमग्न हो गया था और नगर निगम अब जाके जगी है, जब एक 5 महीने की जो बच्ची है उसका जो है पानी में डूबने के कारण, जो है गिरने से कारण उसकी मौत हो जाती है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि नगर निगम के जो लोग हैं अब इस बस्ती से पानी निकालने का प्रयास कर रहे हैं, पूरी गाड़ी है जो पूरी तंत्र जो है वो यहाँ पे अब पहुँचा है और पानी को जो है वो निकाला जा रहा है, गाड़ी मोटर पाइप के माध्यम से उसको पानी को वहाँ से खींचा जा रहा है। लेकिन ये घटना जब जो है वो कल घट चुकी थी और उसके बाद वो बच्ची जो है वो मौत के मुँह में चली गई। लोगों का सीधे तौर पे आरोप है कि हम वोट देते हैं, हम जनता ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं जो हमारे समय में पे काम आए, इस तरह से नाला बनाए, सड़क बनाए, लेकिन सब बातें जो है वो ढाक के तीन पात नजर आती है। एक छोटी सी बारिश में जो पूरा पूर्णिया नगर निगम था वो जलमग्न हो गया था। न्यूज स्टेट बिहार झारखंड, हम लोगों ने सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाई थी कि बिहार का सबसे अपग्रेड अस्पताल, आप कह सकते हैं मेडिकल कॉलेज GMCH का हाल ये था कि लाखों की वैक्सीन जो है वहां पे नष्ट हो गई, मशीनें जल गई, जो वार्ड में जो मरीज थे उनको कहीं और जगह शिफ्ट किया गया, कितने मरीजों की छुट्टी कर दी गई और कितने मरीज यत्र तत्र जो अस्पताल में यहां तहां वो अपने आपको बचा रहे थे, शरण लिए हुए थे। हमारे साथ में इस हाउसिंग बोर्ड की जो माँ है जिनकी बच्ची का दुखद मतलब देहांत हो चुका है, वो है, क्या पूरा मामला था, कैसे पानी गया था, क्या हुआ था? मैं आवाज़ नहीं निकलता ऐसे बात। देखिए एक्चुअली इतना ये पीड़ा में है कि इनकी आवाज़ नहीं आ रही है, ये इनका गला फंसा हुआ, रो रो के बुरा हाल है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि सुबह से ही नगर निगम की गाड़ी यहाँ आके अब इस पूरे बस्ती में लगभग 100 से ज़्यादा घर हैं वहाँ से अब पानी निकालने का काम किया जा रहा है। अगर ये चीज़ अगर कल ही हो गया रहता या इसके लिए पहले से ही तैयारी की गई रहती पूजा, तो काश ये दिन जो है वो नहीं देखना पड़ता और एक मासूम की जान नहीं जाती। हालांकि क्या कहता है यहाँ पे जो इनके जो बच्ची का देहांत हुआ है उनके अभिभावक है हमारे साथ में, क्या पूरा मामला था? मामला था ये बच्चा को ये सब नींद में था, बच्चा बड़े ही बच्चे को दूध पिला रहा था, बच्चा खेल रहा था, खेलते खेलते पलट करके गिर गया पानी में। उस टाइम हम नहीं थे घर में, मेरा छोटा वाला लड़का गया था बुलाने के लिए, हम चल गए थे काम करने, ये लोग को जगा दिए थे, फिर सो गया, नींद आ गया, बहुत नींद आ गया, सो गया, बच्चा खत्म हो गया। पूरा कितना पानी भरा हुआ था जो बच्चा गिर गया? ये इतना भर पानी था इतना। हाँ देखिए इनका कहना है कि ठौने से ज़्यादा पानी इस पूरे बस्ती में लगा हुआ था और ये नगर निगम का पौश इलाका है, आप कह सकते हैं कि मुख्य जो आप गिरजा चौक है वहाँ से सटा हुआ ये इलाका है और नगर निगम के यहाँ पे कई बड़ी अधिकारी हैं, जिला पदाधिकारी, SP, सभी का आवास कुछ ही दूरी पर यहाँ पर अवस्थित है। लेकिन इस तरह की स्थिति शहरी क्षेत्र में है जो पूरा तरह से जलमग्न हो गया था और इस तरह की जो घटना है वो सामने आई। पूजा, बिल्कुल प्रफुल, देखिए और जिस तरह से प्रशासन की टीम अभी पहुंची है, नगर निगम की टीम अभी पहुंची है, क्या उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों इस तरह की व्यवस्था पहले से नहीं की जाती है, आखिर क्यों घटना घटने का इंतजार किया जाता है? और यह भी आपसे जानना चाहूंगी, टीम में अभी फिलहाल वहां पर कितने लोग साथ में मौजूद है? पूजा, नगर निगम के हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कितना लेट क्यों हो गया इस पानी को निकालने में? बारिश रात में हुई है, सुबह से लग गया है। कल इसकी तैयारी तो पहले बार पानी नहीं थी वहाँ, तो अचानक रात में बारिश हुई है ना, वो चूंकि वो गड्ढा जगह है, गड्ढा में बसा हुआ है लोग। तो मेन रोड तो सामने है सर, आप नाला बनना, वो तो बनेगा नाला जो बनेगा। देखिए मतलब सीधा तौर पे कहना है कि मुख्य सड़क है यहाँ, नाला नहीं है, नाला नहीं रहने के कारण जो है जो घर है वो नहीं, तो प्रफुल यही तो बड़ा सवाल है, बारिश कोई पहली बार तो हो नहीं रही, जो पानी हुआ जिसके कारण जो कह रहे हैं व्यक्ति जो कह रहे हैं कि कल देर रात बारिश हुई है, लेकिन पहली बार तो ये बारिश नहीं हो रही, हर बार मानसून के सीजन में इस तरह का हालात होते होंगे, तो व्यवस्था पहले से करनी चाहिए ना।
देखिए सीधा तौर पे कहना है, जो व्यवस्था पूजा यहाँ होनी चाहिए थी वो होनी नहीं है। नगर निगम के जो भी अधिकारी हैं या जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं उनका सीधा तौर पे कहना है कि यहाँ पे अचानक बारिश हुआ है और इसके लिए DPR सब रेडी किया जा रहा है, अगर भविष्य में यहाँ पे नाला और जो भी चीज़ें की व्यवस्था है वो किया जाएगा। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि सबसे पौश इलाका माने जाला पूर्णिया नगर निगम, जिसका बजट आप 400 से 500 करोड़ रुपये से ज़्यादा का होता है सालाना बजट, उसकी ये स्थिति है कि शहर में 24 घंटे के बारिश के बाद आप कह सकते हैं कि यहां पूरा तरह से ये जलमग्न हो जाता है इलाका। अब जनप्रतिनिधि हो या वार्ड पार्षद हो, लोग उनके पास गुहार तो जरूर लगाते हैं लेकिन इन सब चीजों से ये पड़े हैं, जनता त्राहिमाम कर रही है। और अभी आपको बता दें कि अगर कुछ दिन और 24 से अगर 36 घंटे बारिश हो गया, 36 से 48 हो जाएगा, तो फिर इस इलाके की स्थिति और भी आप कह सकते हैं कि खराब हो सकती है। पूरा इलाका कहीं ना कहीं जो जनता है वो परेशान है, मचान पे लोग बैठे हुए हैं, शरण लिए हुए हैं, भोजन की दिक्कत हो रही है लोगों को। अब ये देखना होगा कि जो प्रशासन है उसकी कुमकर्णी नींद जो है कब जगी। हालांकि नगर निगम ने अपने जो गाड़ी है, मोटर पंप है, उसको भेजा है इस इलाके में यहां से पानी को खींचने के लिए। और इस तरह से अलग अलग खबर चलने के बाद, पूजा हम बता रहे हैं न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पे, खबर चलने के बाद जिस तरह से कल रात से ही हम लोग लगातार कवरेज दिखा रहे हैं कि मूसलाधार बारिश के बाद किस तरह से पूर्णिया नगर निगम का हाल बेहाल है, उसके बाद जो स्थानीय प्रशासन है, नगर निगम प्रशासन है और अस्पताल प्रशासन है, इन तीनों की नींद जगी है और आनन फानन में ये लोग अब पानी को निकालने की व्यवस्था कर रहे हैं, मरीजों के लिए समुचित व्यवस्था की ओर ध्यान दे रहे हैं। पूजा बिल्कुल, देखिए लगातार हम ब्रेकिंग भी दिखा रहे हैं कि मासूम की मौत के बाद प्रशासन की नींद तो खुल गई लेकिन जो बच्चा अब हमारे बीच नहीं है, आखिर उसकी भरपाई कौन करेगा? प्रशासन किसी घटना के बाद जागे ठीक है, लेकिन अब इस पूरी घटना को लेकर पीड़ित परिवार का क्या स्टैंड है, आगे पीड़ित परिवार क्या चाहता है, क्या इस मामले को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश की गई? बिल्कुल पूजा, देखिए जो पीड़ित परिवार है, जो माँ है वो बोल नहीं पा रही है क्योंकि उसका दुख और दर्द तो आप समझ सकती हैं। उन्होंने एक बच्चे को, मासूम बच्चे को खो दिया है। उनके जो परिवार की जो अन्य सदस्य हैं उनका सीधे तौर पे ये कहना है कि जो नगर निगम प्रशासन है उसकी कहीं ना कहीं ये चूक हुई है। अगर ये चीज़ें पहले की जाती तो हो सकता था कि यहाँ पर जो है वो चीज़ें नहीं घटती और बच्चा बच जाता। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्थानीय लोगों में भी आक्रोश है इसको लेकर। क्या नाम हुआ आपका? शशि कुमार मित्र। क्या स्थिति था इस जगह का? हर वर्ष का यही स्थिति है, कल कमर भर से ज़्यादा पानी सबके घरों में था, घर में रहने के लायक नहीं था, किसी के घर खाना पीना नहीं बना, तब सरकारी स्कूल में रहने का व्यवस्था करवाए, भोजन करवाए, किसी के यहाँ खाना नहीं बना था, तब शाम में सब सूखा चूरा मुढ़ी खा करके दिन गुजारा है। कितना नंबर वार्ड है ये? 14 नंबर वार्ड है और जस्ट जिला प्रशासन सबके नजदीकी वार्ड है। अच्छा, अच्छी बताइए, आप लोग ने इसके लिए जिला पदाधिकारी हो, चाहे नगर आयुक्त हो, चाहे मेयर हो, विधायक हो, सांसद हो, उनके पास ये मामला को नहीं पहुंचाए कि हमारा इलाका ये डूबा हुआ है, हमारे इलाके में व्यवस्था चाहिए? हर वर्ष ये मामला जो है दिया जाता है, पिछले बार भी मैंने नगर आयुक्त को डायरेक्ट बोला था तो बोला तो गया था ये अतिक्रमण इलाका है, इसलिए करके इस पर ध्यान नहीं दिया सकता। वार्ड तो आता है ना? ये आता है, उन लोगों का अपना मर्जी चलता है, तो बसे हुए हैं पूरा। हाँ, सिर्फ वोट लेने भर के मालिक हैं। यहाँ वोट गिराते हैं ना कि आप वोट नहीं गिराते हैं? सिर्फ वोट गिराने भर ही यहाँ पे नेता को मतलब है, वोट लिए उसके बाद कोई मतलब नहीं है। देखिए सीधे तौर पे कहना है, जब काम की बात आती है तो अतिक्रमण का इलाका बताया जाता है, लेकिन यहाँ के जो वोटर हैं वो अपने जनप्रतिनिधियों को वोट जरूर देते हैं, सिर्फ वोट के वक्त यहाँ लंबी लंबी गाड़ियों का जो काफिला है वो देखने को मिलेगा, लेकिन जब विकास की बात आती है तो अतिक्रमण करके इन लोगों को टाल दिया जाता है। पूजा बिल्कुल, देखिए अतिक्रमण के नाम पर टाल तो दिया जाता है लेकिन अब मासूम की जो मौत हो गई है, जिस तरह पानी निकालने का काम लगातार किया जा रहा है, अस्पताल तक में पानी भरा हुआ है, आखिर अगर किसी को खुदा न खास्ते इस दौरान कोई इमरजेंसी हो जाए तो आखिर व्यक्ति कहाँ जाएगा? चुपचाप घर में बैठे अपने मौत का इंतजार करें? बिल्कुल देखिए जिस तरह से नगर निगम प्रशासन है या जिला प्रशासन है उसको कहीं ना कहीं इन चीज़ों को सोचना चाहिए। और जो व्यवस्था है, खासकर जो अस्पताल है या बस स्टैंड का इलाका है, वार्ड का इलाका है, जहां पे पौश इलाका है, वहां तो कम से कम इनकी व्यवस्था को सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। और जो पूरे लोग हैं, हम आपको वो स्कूल भी दिखाना चाहेंगे जिस स्कूल में यहाँ के वो जो लोग हैं वो शरण लिए हुए हैं, अपने घर से बाहर निकल के मुड़ आप कह सकते हैं कि जो सूखा राशन होता
होता है उनके माध्यम से अपना वो जीवन यापन कर रहे हैं। लगभग 100 से ज़्यादा परिवार जो है वो यहाँ प्रभावित है इस मूसलाधार बारिश के कारण, और लगातार बारिश जो है वो हो रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। अगर इसी तरह का बारिश रहा तो फिर यहाँ की स्थिति, ये वही स्कूल है जहाँ पे सभी लोग रात में शरण लिए हुए थे इसकी, और यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं जिनका मकान पक्के का है या जो समाजसेवी लोग हैं वो यहाँ पहुँच कर जो है व्यवस्था और सूखा राशन का किए हैं। हालांकि बच्चे की मौत हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जिला प्रशासन हो या नगर निगम प्रशासन हो या ऐसे जनप्रतिनिधि हो जो वोट के समय जनता के पास जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं अब जगने की जरूरत है, क्योंकि ये इलाका या शहरी क्षेत्र में आता है और इनको विकास की जरूरत है, विकास की बात जो रहा है ये इलाका। बिल्कुल, देखिए ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि उनकी लापरवाही के कारण मात्र 5 महीने की बच्ची की मौत हो गई। अब देखना यह होगा कि अब तो पानी निकाल दिया गया, लेकिन अगर अब दोबारा बारिश होती है तो जल निकासी के लिए क्या प्रबंध किए जाते हैं, क्या तब ये नगर निगम के अधिकारी सजग रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल इस तमाम जानकारी के लिए।